हाँ जी रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज के ब्लॉग करते हैं शुरू। तो आज के ब्लॉग में मैं एक और दोस्त के पास जाने वाला हूँ। वहाँ पे काफ़ी प्यारे प्यारे उन्होंने वो अपने घर में माहौल बना रखा है, तो वहाँ पे अब मैं जाने लगा हूँ। तो वहाँ पे जो भी चीज़ हुई वो मैं आप दोस्तों को दिखाऊँगा। अभी यहाँ से मैं निकलता हूँ, और इससे पहले जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि व्लॉग कैसा है और कैसा बनाना चाहिए, ये भी आप लोग मुझे बताना। अभी मैं अपने रूम में खड़ा हूँ, अभी यहाँ से मैं निकलूँगा। चलें जी निकलते हैं। ये है जी मेरा रूम, और मैंने सोचा आज यहाँ से भी स्टार्ट कर देते हैं कि दोस्तों को अपना रूम भी दिखाते हैं और उसके बाद जो है बाहर का माहौल वो भी दिखाते हैं जी। यहाँ से मक्की निकल रही है और बहुत ही मुश्किल ये काम है जो करने लगे हैं ये दोस्तों। रास्ते में से लंगल भाई मुझे मिले हैं और लंगल भाई को मैं साथ लेके जा रहा हूँ। सब दोस्तों को सलाम। उस दोस्त के घर के बाहर खड़ा हूँ, वो सामने उसका घर है और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। कुछ ये चीज़ें हैं, मैं आप दोस्तों को ये भी दिखा देता हूँ। मैंने कहा ये पुराने जो ट्रैक्टर है, ये पुराना ट्रैक्टर है और उसकी ट्राली, ये भी बहुत पुरानी है। और मैंने सोचा कि ऐसी चीज़ें जो है वो दोस्तों को देखने को मिलेंगी, तो ये भी दिखा देता हूँ। तो इसलिए यहाँ पर मैं खड़ा था, और खड़ा हुआ था इसलिए कि मैं दोस्तों को ये भी चीज़ दिखा दूं। और ये कपाह की लकड़ी है जो उन्होंने काट कर यहाँ पे रखी है और उठाने के लिए है। शदाद भाई वो आ चुके हैं। हाय शदाद भाई। अभी वो मुजम्मिल भाई अपना व्लॉग जो है वो मुकम्मल करने लगा है, क्योंकि बहुत ही वीआईपी जगह है जहाँ पे हम लोग आए हैं। क्योंकि ये एक विलेज में ऐसा उन्होंने काम किया हुआ है, ऐसे उन्होंने पौधे लगाए हुए हैं बड़ी शौक से। अभी
यहाँ पे फुहारे भी लगे हुए हैं, वो भाई आ जाते हैं उनसे कहेंगे, वो चलाकर दिखाएगा फुहारे जो इस घास को वो पानी लगाते हैं, तो वो भी अभी आता है तो दिखाते हैं। अभी बकिया जो है वो निज़ाम, वो ये पीछे डेरा बना हुआ है और ये सारा जो जी ये वो भाई आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? ये हैं वो भाई, काफ़ी देर बाद आए हैं मगर आ गए हैं। और भाई सब ठीक है? काफ़ी प्यारी जगह बना ली है। शहजाद भाई पानी से डर रहे हैं? नहीं यार, मुझे पानी आ गया है। ये माशाल्लाह फुहारे चल पड़े हैं। माशाल्लाह क्या बात है, अभी देखते हैं। इसके पीछे भागो, माशाल्लाह। ये तो ऐसे जैसे जी, ये जी उन्होंने फुहारे भी लगाए हुए हैं और फुहारे जो हैं वो चल रहे हैं, अभी आप लोग देख रहे होंगे। और बहुत ही भी अभी निज़ाम बना हुआ है, यहाँ से वो पीछे से पानी तो आ रहा है मगर खैर है पानी है ना, तो यहाँ से लोकेशन सारी की सारी जो है वो नज़र आ रही है आप दोस्तों को। और काफ़ी सारा प्यारे प्यारे जो काफ़ी प्यारे पौधे हैं वो उन्होंने लगा रखे हैं यहाँ पे। और जहाँ भी मैं जाता हूँ तो वो ये फुहारे ऐसे ही लगते हैं। मैं अब यहाँ से बचकर यहाँ से जाऊँगा वो इसलिए कि ऐसे लग रहा है कि जैसे बारिश हो रही है। जमील भाई को तो आपकी अपनी वीडियो की पड़ी हुई है, मुझे भी काफ़ी जो ये इस पानी ने भी मुझे सारा का सारा गीला कर दिया है, वो इसलिए कि मैं बार बार वीडियो बनाने के चक्करों में सारा का सारा जो हो ना वो भीग गया हूँ, गीला हो गया हूँ। और अभी जाएंगे उधर, उसका घर है, उस घर की तरफ जाएंगे। अभी जमील भाई आ गए हैं तो उसके घर जाएंगे, वहाँ उधर से वो सामने जो कोठी बनी हुई है वो उसकी है। चलें, ये जी उसकी बाइक है और उसको मैंने बोला कि कहीं जाना है तो पहले वहाँ से होकर आते हैं दोबारा फिर वापसी। ये भी काफ़ी अच्छा निज़ाम बना हुआ है।
अभी जी चाय मैंने पी ली है और अभी घर जाने के चक्करों में काफी हैं खाली पड़े हैं। मैं और मुजम्मिल भाई। तो जो शहद भाई है वो इधर ही रहेंगे क्योंकि भाई का तो घर अपना है ना ये। तो ठीक है भाई, इंशाल्लाह निकलते हैं यहाँ से हम लोग। ठीक है मुजम्मिल भाई, आपको मैं इधर ही छोड़ के जाता हूँ। जाना ही पड़ता है, नमाज का टाइम हो गया तो चलें। ठीक है शहजाद भाई। यार एक मिनट सबर, एड्डा वड्डा मुँह लग गया। क्या बात, क्या नज़ारा बन गया। इंशाल्लाह जी।